उड़ने वाली कुर्सी। बहुत पहले एक जंगल में एक किले का खंडहर था। वहाँ दाकिनी नाम की एक जादूगरनी रहती थी। उसे खाने का बहुत शौक था। कुछ समय बाद जंगल में उसे खाना नहीं मिला। दाकिनी के पास एक परों वाली कुर्सी थी। वो उस पर बैठते ही उड़ जाती थी। वो कुर्सी में बैठकर हवा में उड़ते हुए भोजन की तलाश करने लगी। एक झील के ऊपर हवा में रुककर मुंह खोला तो झील के सारे मछली उसके मुंह में चले गए। वो यूं उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से उड़ रही थी। वहां एक खेत के पास किसानों के उगाए हुए अनाज की बोरियां थीं। यूं हवा में रहते हुए उसने मुंह खोला तो अनाज की बोरियां उसके मुंह में चले गए। वो यूं गांव के अनाज खाली करने के बाद समंदर के ऊपर से जाने लगी। उसे एक टापू दिखाई दिया। वो उस कुर्सी के साथ टापू में आ उतरी। उस टापू में लिलीपुट रहते थे। वे दाकिनी को देखकर डर से कांपने लगे। क्यों रे भोनू, इतने दिन मेरे नजरों से बचकर तुम इस टापू में रहते हो? मैं तुम लोगों को अभी निगलकर अपनी भूख मिटाती हूँ। माँ, हमें कुछ ना करो। हम मेहनत करके फसल उगाकर हम अपनी जिंदगी चैन से जी रहे हैं इस टापू पर। तुम्हारी भूख हम मिटाएंगे, हमें छोड़ दो। यूं उसने प्रार्थना की। हा, मेरी भूख तुम लोग मिटाओगे? तुम सारे बोने हो तो तुम्हारे उगाए फसल भी बोने होंगे, उससे मेरा क्या होगा? हमारे उगाए हुए फसल छोटे जरूर हैं पर बड़े स्वादिष्ट हैं। एक बार खा कर देखिए। ठीक है, तुम्हारे उगाए फसल सारे ले आओ। वे गाड़ियों में अनाज, सब्जी और फल लेकर आए। उसके मुंह खोलते ही सारा उसके मुंह में चला गया। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। तुमने सच्ची कहा था, अब से फसल उगते ही मैं आऊंगी, सब मैं ही खाऊंगी। तुम लोगों को एक भी फल खाने की अनुमति नहीं है, खबरदार। कहकर कुर्सी में उड़ गई। ये सब गोलू और गुड्डू नाम के दो बच्चों ने देखा। 4 महीने बाद दाकिनी फिर टापू पर आई। सारा फसल खा गई। अगर ये हर बार अपना सारा फसल खा गई तो हमारा क्या होगा? हम सब भूख से तड़प रहे हैं, घास तो नहीं खा सकते। हाँ, हमें ही किसी तरह इसे रोकना होगा। बाद में दाकिनी कुर्सी के साथ उड़ने ही वाली थी तो वे भी कुर्सी के साथ साथ उड़ने लगे। वे समुद्र के ऊपर से जाने लगे। फिर वो खेतों के ऊपर से उड़ने लगे। आखिरकार जंगल में किले वाले खंडहर के पास आकर उतरी। दाकिनी किले के अंदर गई। ये कुर्सी के कारण ही ये दुनिया भर घूमती है। इसे किसी तरह ले गए तो ये अपने टापू पर कभी नहीं आ पाएगी। पर इसे उड़ाने का मंत्र भी तो नहीं जानते। ये मन ही मन बोलती है, बाहर बोलती नहीं, हम क्या करें? दोनों सोचने लगे। उन्हें वहाँ एक साधारण कुर्सी दिखाई दी। तुरंत उन्हें एक उपाय सूझा। वहाँ के तिनकों से उन्होंने तीर बनाए। रात भर मेहनत करके उस पर वाले कुर्सी को एक पेड़ के पीछे छिपाया। फिर उस पर वाले कुर्सी पर जा बैठे। अगले दिन सवेरे दाकिनी बाहर आई।
उन्होंने तुरंत उसकी आंखों में तीर चलाई। बाप रे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुर्सी कहाँ है? कहकर कुर्सी ढूंढने लगी। दाखिनी यूं टटोलते हुए साधारण कुर्सी को पकड़कर, अच्छा यहाँ है, कहकर उस पर बैठकर, उड़ जा सिमसिम, कहकर चिल्लाई। बस गोलू और गुड्डू जिस कुर्सी पर बैठे थे वो उड़ने लगी। दाखिनी साधारण कुर्सी पर बैठकर, ये उड़ क्यों नहीं रही है, कहकर बेचैन होकर देखने लगी। यूं गोलू और गुड्डू कुर्सी पर बैठकर अपने टापू पहुंचे। बाकी लिलीपुट उन्हें हैरान होकर देखने लगे। गोलू और गुड्डू ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने तुरंत उस कुर्सी को जला दिया। उन सब ने मिलकर गोलू और गुड्डू को सम्मानित किया। लालची दूध वाला और चाय वाला। सरोज नगर नाम के गांव में एक लड़का बंटी एक चाय का दुकान चलाता था। वो अपने दुकान पर अलग अलग किस्म के चाय बेचता था। अदरक चाय, मसाला चाय, लेमन चाय, बादाम चाय जैसे अलग अलग रुचिकर चाय वो बेचता था। इसके अलावा भी कस्टमर के रुचि के अनुसार लाइट चाय, बिना चीनी का कड़क चाय भी वो बना के देता था। इस वजह से गांव वाले उसके यहाँ चाय पिए बगैर घर नहीं जाते थे। बंटी के दुकान पर लालू नाम का एक आदमी दूध दिया करता था। लालू बड़ा ही लालची था। रोज बंटी के दुकान पर दूध पहुंचाकर वो सोचता था, चाय बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है दूध। रोज इसे दूध मैं पहुंचाता हूँ और आखिर महीने भर में 300 रुपए मुझे मिलता है। और ये बंटी दूध में ये वो मिलाकर दिन का 1000 रुपए कमा रहा है। मुझे भी किसी तरह मेरा मुनाफा बढ़ाना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद लालू दूध में अच्छे से पानी मिलाना शुरू कर दिया। क्यों भाई लालू, तुम पानी में दूध मिला रहे हो या दूध में पानी? अरे क्या बात कर रहे हो दीदी, मैं और दूध में पानी? ऐसा कहोगी ना तो मैं दूध देना बंद कर दूंगा। हाँ, फिर जाना बाजू के गांव से दूध ले आना। ये सुनकर औरतें चुप हो जाती थी और इससे लालू को काफी मुनाफा होने लगा। एक दिन बंटी के दुकान पर दूध देने के बाद मैं दूध में पानी मिलाकर दे रहा हूँ, फिर भी इसका धंधा मंदा नहीं हो रहा है। मतलब क्या निकलता है, चाय कैसे भी बनाऊं लोग पियेंगे, वैसे मैं भी एक चाय का दुकान क्यों ना लगाऊं। ये पानी मिलाकर दूध बेचने से तो चाय बेचने में मुनाफा ज्यादा होगा। कुछ दिनों बाद उसने बंटी के दुकान के सामने अपना एक चाय का दुकान लगा दिया। ए चाय बाबू, चाय, मसाला चाय, अदरक चाय, लेमन चाय, कोल्ड कॉफी, वो चिल्लाता था। शुरुआत में कई लोग उसके पास चाय पीने आए और बंटी को भी इस बात से बुरा नहीं लगता था। अरे धंधे में तो मुकाबला होता ही रहता है, वो सोचता था। इधर लालू का धंधा अच्छा चल पड़ा था, फिर से उसमें लालच जाग उठा। लोगों को तो ऐसे भी मेरे से चाय पीने का आदत पड़ गया है, अब चाय के पीछे इतना खर्चा ना भी करूं तो भी चलेगा, उसने सोचा। इसके बाद से कोई अगर बोलता, क्यों भाई अदरक वाली चाय में अदरक तो है ही नहीं, भाई मैसूर पाक में मैसूर दिखता नहीं है ना, इसी तरह अदरक वाली चाय में अदरक नहीं दिखता, अरे पी लो साहेब। अरे बाप रे, चाय में तो मक्खी गिर गया, दूसरा चाय दो भाई। 5 रुपए के चाय में मक्खी नहीं तो क्या हाथी गिरेगा, दूसरा चाय चाहिए तो 5 रुपए और लगेंगे। कॉफी इतना ठंडा क्यों है भाई, उसे कोल्ड कॉफी कहते हैं, इसीलिए तो 40 रुपए देते हो। उसका बर्ताव कई लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने उसके दुकान पे आना बंद कर दिया। ऐसा चल रहा था, एक दिन गब्बर सिंह गैंग उसके दुकान पे आ पहुंचे। लालू डरते डरते उनको चाय पहुंचाया। गब्बर सिंह ने चाय पीकर आख थू करके थूक दिया। हम तुम्हें कई दिन से देख रहे हैं, तुम्हारे जैसे चालाक थक को हमें हमारा गैंग में लेना है। आजकल हमारे गैंग में मेंबर कम हो गए हैं, चल चलते हैं। क्या चोरिया, डकैती करनी पड़ेगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगा। वो लोग लालू को जबरदस्ती उठा ले गए। कुछ दिन बाद पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उनके साथ साथ लालू को भी कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। तो बच्चों, लालच बुरी बला है, समझ गए? एक गांव में पप्पू रहता था। उसके माँ बाप तभी गुजर गए थे जब वो बहुत छोटा था। उसकी नानी ने उसे बड़े मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। पप्पू पढ़ नहीं पाया,
वो दुनियादारी भी नहीं जानता था। वो बड़ा होकर भी भोला ही रहा, इसीलिए उस गांव में कोई उसे नौकरी नहीं देता था। एक दिन पप्पू से उसकी नानी, बेटा अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है, तुम्हें कोई काम नहीं आता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। मैंने बहुत सोचा तो एक ही उपाय सूझा, अपने खानदान में बनाए जाने वाले खास मसाले पकोड़े कैसे बनाते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तुम गांव में पकोड़े का धंधा शुरू करो, यही संपत्ति है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ध्यान से धंधा करो और जीवन बसर करो। यूं पप्पू को स्पेशल पकोड़े बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद पप्पू ने बाजार में पकोड़ों की रेडी लगाई, गरम गरम पकोड़े बनाने लगा। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, मसाले वाले पकोड़े, आओ भाई आओ, खाओ भाई खाओ। पास ही एक और पकोड़े वाला परमेश ने उसे देखा, उसकी पत्नी, ए जी वो हमारे मुकाबले में रेडी लगा रहा है, अब हम क्या करें? वो एकदम भोला है, वो चार दिन भी नहीं टिकेगा, तुम चिंता ना करो। धीरे धीरे पप्पू की रेड़ी के पास लोग आने लगे। पकोड़े स्वादिष्ट होने के कारण लोगों की लाइन लगने लगी। परमेश के पास पकोड़े खाने के लिए कोई नहीं आया। पप्पू जो पैसे कमाता था अपनी नानी को देता था, वो खुश हुई। ये सब देख परमेश जलने लगा, उसने सोचा इसका धंधा बंद करना होगा। एक दिन पप्पू की रेड़ी के पास परमेश ने आकर, पप्पू वो देखो रॉकेट जा रही है, कहकर आसमान की ओर इशारा किया। पप्पू आसमान की ओर देखकर रॉकेट ढूंढने लगा। इतने में परमेश ने पकोड़े पर पाउडर छिड़का, फिर परमेश, रॉकेट चली गई, तुम पकोड़े बेचो, कहकर चला गया। तभी उस गाँव का मुखिया पप्पू के पास आया। मैंने सुना है कि तुम पकोड़े अच्छे बनाते हो, एक प्लेट देना। हाँ साहब, मैं ठीक वैसे ही बनाता हूँ जैसे नानी ने सिखाया है, इसीलिए अच्छे हैं, कहकर पकोड़े दिए। उसे खाकर वो, हाय रे पेट दर्द हो रहा है, कहकर गिर गया। पप्पू घबरा गया। अगले दिन एक आदमी आकर पप्पू से, तुम्हारे पकोड़े खाकर मुखिया अस्पताल में है, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि अब इस गांव में तुम रेडी नहीं लगा सकते। पप्पू रोते हुए रेडी को धकेलता हुआ चला गया। परमेश खुशी से उछला। घर जाकर पप्पू ने अपने नानी से रोते हुए, नानी मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने पकोड़े में कुछ नहीं मिलाया, तुम्हारे कहे अनुसार ही मैं हाथ साफ करने के बाद ही बेसन मिलाता था, गुणवत्ता वाले सामान ही इस्तेमाल करता था। वे कहते हैं कि गांव में अब मैं रेडी नहीं लगा सकता, अब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा। मत रो बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, उन्होंने तुम्हें इस गांव में रेडी लगाने के लिए मना किया है ना। एक काम करो, अपने गांव के बाहर बंदरगाह है ना, वहाँ बहुत सारे मछुआरे और मजदूर होते हैं, तुम वहाँ जाकर पैसे कमा सकते हो, पर हर रोज 10 किलोमीटर रेडी को ढकेलते हुए जाना मुश्किल जरूर है। उसकी चिंता ना करो नानी, कितनी भी दूर हो, कितना भी मुश्किल हो, मैं जाऊंगा, तुम खुश हो तो यही बहुत है, नानी ने उसे आशीर्वाद दिया। पप्पू अगले दिन से रेड़ी को धकेलते हुए बंदरगाह जाने लगा। वहाँ के मछुआरे और मजदूरों को उसके पकोड़े बहुत अच्छे लगे और वे मजे से खाने लगे। पप्पू को घर लौटते हुए रात हो जाती थी। वो नानी को पैसे देता था तो नानी उसे देखकर दुखी होती थी। एक दिन पप्पू बंदरगाह में पकोड़े बेच रहा था कि एक बड़ा शिप वहां आया। एक विदेशी हीरे का व्यापारी उसमें से उतरा। वह चलते चलते पप्पू की रेड़ी के पास आया। It smells good. What's this? This पकोड़े very good. Eating, नानी making. ऐसा कहा। उसने पकोड़े खाए, उसके आंखों से आंसू आ गए। इतना स्वादिष्ट व्यंजन उसने कभी नहीं खाया था। You come with me. Ship, I give lots of money. पप्पू समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। I ask नानी, नानी ask. उस रात को उसने नानी को सब बताया।
वो खुश होकर, भगवान को तुम पर दया आई गई, जाओ। अगले दिन पप्पू ने उस व्यापारी रिचमंड को पकोड़े बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची दी। ओके, आई विल टेक केयर। उस दिन से पप्पू शिप में शाम के टाइम पकोड़े बनाने लगा। रिचमंड और उसके स्टाफ पकोड़े बड़े चाव से खाने लगे। यूं 6 महीने बीत गए। एक दिन रिचमंड पप्पू को बंदरगाह में उतार कर बहुत सारे रुपए देते हुए, तुम्हें साल में 2 महीने की छुट्टी मिलेगा, वो भी तुम्हारे ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। 2 मंथ्स के बाद आएगा, सामान के साथ रेडी रहना। पप्पू ने उन्हें प्रणाम किया, खुश होकर घर लौटा। नानी उसे देखकर फूली नहीं समाई। इस तरह हर साल पप्पू पैसों के साथ गांव लौटता था। कुछ समय बाद एक बड़ा घर बनाया। नानी को कार में गांव घुमाता था, उसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। ये देख परमेश, ये क्या, मैं तो इसका नुकसान करना चाहता था, इसका तो लाभ ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।